अब लेंस एंड एंगल स्टार्ट होगा। हाँ सर, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ। तो क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। हाँ सर, क्वेश्चंस करवाए मैंने आपको सर दो क्वेश्चन करवाए क्राइटेरिया पे, तो बाकी का तो प्रूफ करवाया। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ओके, दिस इज आल्सो डन, दिस इज आल्सो डन। ठीक है ठीक है, let's take this question. In the given figure, likho. In the given figure, AB is equal to BC and AD equal to EC. Prove that triangle ABE is congruent to triangle CBD. जो AB ही E है वो CBD के congruent है। आपको ये prove करना है। मैं फिगर आपको दे रहा हूं। ए बी बी ई एंड सी, ठीक है ना। दिस इज अ फिगर व्हिच इज गिवन टू यू एंड दीज आर द डिमार्केशंस व्हिच आर डन। ये चीजें बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको प्रूव करना है ए बी ई जो है सीबीडी के कॉन्ग्रुएंट है। सर मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना, मैं प्रिपेयर कर रहा था तब किया था क्वेश्चन। हाँ सर, मैंने भी देखा हुआ है। एक बार ट्राई कर लो इसको आप। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर दो मिनट सर, हो ही क्या सर? सर एक मिनट करो करो, कोई बात नहीं सर, हो गया सर, पता चल गया। आपको बताया क्या सर? कोई बात नहीं, सिर्फ आप चेक कर लो, ठीक है ना। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपका अगर कुछ अलग मेथड है तो हम डिस्कस करेंगे। अगर वही मेथड है तो चेक कर लो आपका मेथड ये बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने किसी और मेथड से किया है तो अगर वेरीफाई करना है कि सर ऐसे मैंने किया, सही सोच रहा था क्या, तो वो मुझे आप बता सकते, ठीक है ना। So, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट इज हियर। आई नो दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज गिवन टू मी। सो इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, द एंगल्स अपोजिट टू द साइड्स विल बी इक्वल, है ना। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, सो अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। सो आई कैन से दैट अगर ए बी बी सी के बराबर है तो एंगल सी उसके सामने वाला एंगल ए के बराबर होगा, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो सबसे पहली चीज आपने लिख ली। नेक्स्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, अब ये वाली जो चीज है वो इसके बराबर आ गई है। सो नाउ इफ आई एनालाइज वन मोर थिंग, आई नीड टू टेक अप व्हाट, इफ आई हैव टू प्रूव ट्रायंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट टू सीबीडी, तो एबीई के अंदर एई पूरी साइड है, बट मेरे को तो दिया हुआ है कि भैया एडी जो है वो सीई के बराबर है, एडी जो है वो सीई के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, DE दोनों में ऐड करता हूँ। इफ आई ऐड DE ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वालिटी, व्हाट विल हैपन इज AD प्लस DE हो जाएगा AE और CE प्लस DE हो जाएगा CD। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CBD, आई नो दैट AB इज इक्वल टू BC, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड AE इक्वल टू CD. So by side angle side triangle ABE would be congruent to triangle ABE लिया है तो DBC लेना पड़ेगा, ठीक है सर। A के सामने C आएगा ना, AC।
हाँ सर, क्वेश्चन में भी सीबीडी दिया है। सीबीडी आएगा, सीबीडी है ना, क्वेश्चन से लिख लेंगे सीबीडी। इवन कॉरेस्पॉन्डेंस भी आप लिख सकते हो इफ यू वांट, यू कैन राइट कॉरेस्पॉन्डेंस। ए सी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, बी मेरा कॉमन है दोनों के अंदर, और डी कॉरेस्पॉन्ड करेगा ई के साथ, ठीक है ना। तो ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू सी बी डी आपका हो जाएगा, सही है ना। सो मैंने तो बड़े बड़े प्रूफ लिखे थे, इतने छोटे नहीं लिखे, ठीक है ना, फिर मैं आपका काम हो जाएगा। चलो लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। यस पार्थिव सर, वो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी में बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो आप, बट हम इसमें प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, भाई साइड्स इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल्स इक्वल ही होते हैं हमेशा, ठीक है। यस लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना। लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर C is the midpoint of AB. Angle BAD is equal to angle of CBE, and angle ECA is equal to DCB. Prove that triangle DAC is congruent to triangle EBC. First thing, this is what you have to prove. Next, you have to prove DA is equal to EB. दूसरी चीज आपको ये प्रूफ करनी है। तो मैं फिगर बना देता हूँ आपके लिए। जो D है वो मिड पॉइंट है, सॉरी C जो है वो मिड पॉइंट है। This is A for you. This is B for you. ACD. ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज ई फॉर यू, ओके। और ये एंगल बराबर दिया इस एंगल के, और ये एंगल के बराबर दिया, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर दिया, ठीक है ना। आपको सी मिड पॉइंट दिया है ए बी का, बी ए डी जो एंगल है वो दिया है सी बी ई के बराबर, ई सी ए जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है बराबर किसके, डी सी बी के। आपको ये चीज प्रूव करनी है, दो ट्राइंगल जो आपको दिए हुए, सर हो गया। हाँ सर हो गया। सो मैं 2 मिनट ले वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। चलिए, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट ट्रायंगल वी हैव टू टेक। इफ यू सी द ट्रायंगल हैज टू बी टेकन एज डीएसी, तो डीएसी ट्रायंगल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज मालूम नहीं है। डीएसी के अंदर जो है ना, ये सी एंगल पूरा है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो पता है, ये एंगल इतना ऐड कर दो, ठीक है ना। जैसे आपको पता है ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स है, तो अगर आपने वाई ऐड कर दिया दोनों में, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ आई नो दैट एंगल ऑफ ईसीए इज इक्वल टू एंगल ऑफ डीसीबी, what I do is I add ECD on both the sides, ECD angle दोनों में add करता हूँ, तो DCB
और ई सी डी अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, एंगल ई सी बी हो गया। सिमिलरली ई सी ए और डी सी ई को मैंने अगर ऐड कर दिया तो एंगल डी सी ए हो जाएगा। तो पता क्या चला, एंगल डी सी ए जो है वो एंगल ई सी बी के बराबर है। एंगल डी सी ए जो है वो ई सी बी के बराबर है, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, अब देखो एक्स था वाई ऐड कर दिया, एक्स प्लस वाई एंगल बन गया। नेक्स्ट अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना, मुझे और एक चीज मालूम है। अगर मैं दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखूं, इफ आई एम टेकिंग दीस टू ट्राइंगल, सो आई से दैट इन ट्राइंगल डी ए सी एंड ट्राइंगल ई बी सी, डी ए सी व्हाट आई नो इज नथिंग बट एंगल ऑफ डी ए सी, एंड इन ई बी सी ध्यान से देखो आई नो एंगल ऑफ ई बी सी, ये दोनों एंगल इक्वल है। भले आप चाहो तो जेड जेड नाम दे दो इन दोनों एंगल को, दिस इज नथिंग बट इक्वल एंगल जेड एंड दिस इज गिवन टू मी इन द फिगर। नेक्स्ट व्हाट आई नो दैट ए सी इक्वल टू बी सी, क्यों, सी इज द मिड पॉइंट। नेक्स्ट व्हाट आई नो दैट एंगल ऑफ, अब ध्यान से समझना, डी सी ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ ई सी बी, ये बाय वन लिख सकता हूं मैं। तो अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, एंगल साइड एंगल पूरा का पूरा ये, ठीक है ना, ये पूरा एंगल है ट्राइंगल के अंदर, एंगल साइड और एंगल, फिर दूसरे ट्राइंगल का एंगल, ये साइड और ये पूरा एंगल। सो इफ यू सी व्हाट इज दिस एंगल साइड एंड एंगल, तो मैं बोल सकता हूं बाय ए एस ए क्राइटेरिया ट्राइंगल डी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब देखो सी सी को करस्पॉन्ड कर रहा है, ए बी को करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, तो ट्राइंगल डी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ऑफ ई सी एंड बी। सर ए बी सी हो रहा, यस सर, देखो डी कर रहा है कॉरेस्पॉन्ड ई को, सर ए बी को कर रहा है ना, अच्छा डी ए लिखा है, ए लिखा है, डी ए लिखा है, डी ए सी लिखा है, तो ई बी सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बी और ए सी, ठीक है ना, ए जहाँ जाए वहाँ वहाँ बी लिखूंगा मैं, जहाँ सी है वहाँ सी लिखूंगा और जहाँ डी है वहाँ ई लिखूंगा, है ना। तो ट्राइंगल डी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी सी। सिंपलिसिटी से हो जाएगा सेकंड वाला भी, सिंपलिसिटी से। क्या क्या बोलना है, देखो क्वेश्चन में बोला डी ए इक्वल टू ई बी बताओ आप, तो डी ए और ई बी इक्वल है, तो वो हम कैसे बोल सकते हैं, दिस इज अ सीपीसीटी रिजल्ट, है ना, यस सर, बाय सीपीसीटी, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ओके, प्रीटी इजी। चलो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं ऊपर, चलो ठीक है ना, सबने लिख लिया ये वाला, यस सर, किसी का बाकी है तो प्लीज लेट मी नो। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, लिखो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन एक्यूट एंगल इज डबल ऑफ अदर, वन एक्यूट एंगल इज डबल ऑफ अदर, one acute angle is double of other, prove that hypotenuse is double the smallest side, ek jo acute angle hai wo dusre ka double hai, to aapko prove karna hai hypotenuse double hoga choti wali side ke।
let's draw the figure. सर हाइपोटेनियस तो नहीं हो रहा, शायद परपेंडिकुलर हो रहा है मेरा तो. देखते हैं, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. सर आपने 8th में भी बताया था, है ना? ये 90 डिग्रीज है, ट्रायंगल एबीसी है और ये 90 डिग्रीज है. अब मान लेते हैं हम 2x है, x है. एक्स के सामने वाली साइड अगर ए है तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता कि 2x वाले सामने वाली साइड 2a हो जाएगी. दिस इज ग्रेटर, मेरे को सिर्फ ये बताना है कि बड़ी है. छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होती है. द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर एंड द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर. तो अगर वो बोल रहा है छोटे वाले का डबल हाइपोटेनस है तो साइड का डबल हाइपोटेनस होना चाहिए. मतलब हमें प्रूव करना है कि ये वाली जो लेंथ होगी वो 2a हो जाएगी. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. चलिए गिव अ ट्राई. कैसे कर सकते हैं, कोशिश करेंगे. काफी बच्चों का वीडियो ऑन है, ऑफ है. जैसे आर्ची का वीडियो ऑफ है, लिया का वीडियो ऑफ है. नहीं ने भी अभी ऑन करा है. ना मैं बार बार रिमाइंडर नहीं दूंगा, और अगर मैं एक बार रिमूव कर दूँ आपके क्लास उसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ नेटवर्क का इशू है तो मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ. यस बेटा. सर. यस 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 बेटा. आशी. सर हाइपोटेनियस 2 है, 2a है, ये प्रूफ करना है. हाँ ये प्रूफ करना है. हाइपोटेनियस इज डबल ऑफ द स्मॉलर वन. तो अगर स्मॉलर इज a देन हाइपोटेनियस हैज टू बी 2a. दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूफ. सो लेट्स डू इट. हाउ वी विल डू इट, वी कंस्ट्रक्ट समथिंग. व्हाट डू वी कंस्ट्रक्ट? यहां पे मैं x एंगल पे एक लाइन बनाता हूं. इतने एंगल पे x एंगल पे लाइन बनाता हूँ, ओके? और इसको भी एक्सटेंड करता हूँ. तो ये जहाँ पे जाके मिले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है? ओके, व्हाट वी हैव डन इज फ्रॉम ए, ओके तनिष, फ्रॉम ए कंस्ट्रक्ट एडी सच दैट एंगल डीए B is X. X angle पे मैंने सिर्फ construction कर लिया. Now you will be very happy to know this is 90 degrees. This is X. So I can say that this will also be common to them. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ triangle DAB is congruent to triangle CAB. ये मैं बोल सकता हूँ. कैसे बोल सकता हूँ? ध्यान से देखना. एंगल कॉमन, सॉरी एंगल इक्वल कंस्ट्रक्शन, साइड इज कॉमन एंड देन राइट एंगल इज देयर. सो बाय एएससी आई कैन सी दीस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अच्छा, कॉन्ग्रुएंट बोलने से हुआ क्या? ये वाली जो ए लेंथ की थी ये भी ए लेंथ हो गई. नाउ यू शुड अप्रिशिएट 2x और x मिला के 90 बनता है. तो अगर एक x है तो ये भी ऑटोमेटिकली 2x आ जाएगा. इवन कॉन्ग्रुएंट से बोल सकते हो आप. तो अब आपको पता क्या चला? आपको ये पता चल गया कि इस ट्रायंगल में ये 2x है. बहुत ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में ये वाला 2x है, ये भी 2x है, ये भी 2x है. तो क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया? अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो सारी साइड्स बराबर होती है. तो नीचे की साइड किसके बराबर है? 2a के बराबर है. तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा. लिख लो इसको. द हाइपोटेनस वुड बी 2a इन लेंथ. आई थिंक वेरी क्लियर. नोट डाउन कर ले इसको सारे के सारे बच्चे. लास्ट वाला बताओ. क्या नहीं पता चला सलमान? सर वो अपने आखिरी में हाइपोटेनस 2a कैसे? ये ट्रायंगल जो बन गया ना, ये सारे एंगल देखो 2x हो गया, ये भी 2x हो गया, ये भी 2x हो गया. तो ये ट्रायंगल आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया. क्या बन गया? यस, इक्विलैटरल ट्रायंगल.
अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स भी बराबर होते हैं, सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो एंगल्स तो बराबर थे इसीलिए इक्विलेटरल कहा, साइड्स भी बराबर हो जाएंगे तो सब 2a हो जाएगी, तो हाइपोटेनस भी 2a हो जाएगी, ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस सर। चलिए लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। एक और फेमस क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इसीलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको यूजुअली एग्जाम्स में दिखेंगे, ठीक है? ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। विथ AB इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AB इज इक्वल टू AD। प्रूव दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। Such that angle BCD is a right angle. दिया समझ आ रहा है आपको? Yes sir. नईम को पता चल रहा है? नईम सर? यस सर। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। दो मिनट फिगर बना लेता हूं मैं जब तक। पहले एबीसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबी विथ एसी एंड बीए इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना? बीए को प्रोड्यूस करा आपने कहां तक? टू अ पॉइंट डी, ठीक है? डी तक किया सच दैट दिस इज इक्वल। पॉइंट डी है, इसको इससे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी करना नहीं है मुझे। क्या पता ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा। अब ये गलती मत कर देना आप कि आप बोल दोगे सर अंदर वाले ये दोनों भी बराबर है तो दोनों एक्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एंगल वाई है तो ये भी एंगल वाई होगा, एक एंगल दूसरे के बराबर होगा एक ट्राइंगल के अंदर। इट इज नॉट नेसेसरी कि दो ट्राइंगल अलग अलग हैं और उनकी साइज अगर आपस में बराबर है तो उनके एंगल्स बराबर होंगे। समथिंग लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, एक ट्राइंगल ऐसा है एक ट्राइंगल ऐसा है, ये इसके बराबर है और ये भी बराबर है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 60 है ये 60 है तो ये दोनों भी 60-60 होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये 45-45 भी हो सकते हैं,
क्यों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स थोड़ी ना कॉन्ग्रुएंट होते हैं हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है. इज इट क्लियर? सो दीज टू माइट नॉट बी इक्वल फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स फॉर यू. सो द एंगल दैट यू आर सपोज टू टेक इज एक्स एक्स एंड वाई वाई. नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, आप बी सी डी ट्राइंगल के अंदर क्या बोल सकते हो, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई. ये पूरा एंगल कितना एक्स प्लस वाई है मिला के प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 2x plus 2y कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा. तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x plus y कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा. तो अगर x plus y 90 हो गया तो आपका ये एंगल कितना हो गया 90. तो ये एंगल क्या हो गया, राइट एंगल हो गया. इज इट क्लियर? आई थिंक प्रिटी इजी. सबने कर लिया इसको? यस सर. नोट कर लो, जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर ले. देन वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर 1 minute only my video. Yes, yes, yes. चलिए, शुड वी टेक वन मोर क्वेश्चन? यस. सबने लिख लिया इसको? यस सर. यस सर. चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है. इन द फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. And EF is parallel to BD. R is the midpoint of EF. Prove that BE is equal to DF. First thing. Second, AR bisects angle BAD. Third, AR is produced. It will pass through C. ABCD एक स्क्वायर है, EF जो है वो पैरेलल टू BD है. तो एक काम करते हैं, फिगर मैं बना लेता हूँ आपके लिए. जो फिगर दिया हुआ है आपको, ये फिगर में दिया क्या है आपको, ABCD एक स्क्वायर है. तो अगर ABCD एक स्क्वायर है और EF जो है वो पैरेलल टू BD है, तो EF ड्रॉ कर लो आप. EF जो है वो BD के पैरेलल है. नेक्स्ट उसने क्या बोला है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ EF. R जो है वो मिड पॉइंट है EF का. प्रूव दैट. तो अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहां से. R जो है, सॉरी ये वाला इतना ज्यादा लेवल पे ज्वाइन नहीं किया गया, ये यहां से यहां तक ही सिर्फ ज्वाइन है. ठीक है ना, यहां तक ज्वाइन है. तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि BE इज इक्वल टू DF. नेक्स्ट ए आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये बी ए डी. एंड ए आर इज प्रोड्यूस्ड, इट पासिस थ्रू सी. चलो
चलें कैसे करेंगे, शुड वी स्टार्ट? यस सर। देखो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड फर्स्ट। देखो क्या होगा, ये वाला अगर एक स्क्वायर है तो ये एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 होगा, सही है? तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ अगर ये पैरेलल है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, सही है? ये 90 होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा तो ये साइड इसके बराबर होगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सो लेट्स राइट द फर्स्ट थिंग। मैं बोल सकता हूँ कि BC CD के बराबर था स्क्वायर के अंदर, और हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि EC FC के बराबर है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो BC माइनस EC इज इक्वल्स टू CD माइनस FC। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, BC माइनस EC हो जाएगा BE, और दैट वुड बी इक्वल टू FD। CD माइनस FC हो जाएगा FD। ये पहली चीज मैंने प्रूव कर दिया, BE इक्वल टू FD आई हैव प्रूव्ड। नेक्स्ट देखें, ये वाला इसके बराबर मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है? इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, ए आर बाइसेक्ट करना है, ये बताना है आपको ना, ए आर इज बाइसेक्टिंग एंगल ऑफ दिस। तो क्या मैं दो ट्राइंगल्स ले लू? अब कौन से दो ट्राइंगल लेंगे, तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके ए आर को बाइसेक्टिंग प्रूफ कर देते हैं। देखो क्या मैं इस ट्राइंगल को ले लू, देखो अगर मैंने ऐसा प्रूफ कर दिया कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, इफ आई प्रूव इट सो आई कैन से दैट, देखो ये वाला अगर मैंने बराबर प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली मैं ये प्रूफ कर दूंगा। देखो जब अगर मैंने प्रूफ कर दिया है, लेट्स फर्स्ट प्रूव इट, पहले प्रूफ कर लेते, ठीक है ना? तो अगर मैं लेता हूँ ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए डी एफ, तो मुझे पता है कि ए बी जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, ए बी इसके बराबर है, स्क्वायर की अपोजिट साइड है। नेक्स्ट मुझे पता है कि ये वाला एंगल 90 होता है, ये वाला एंगल भी 90 होता है। मैं लिखता जा रहा हूँ, देखते जाओ ना, मैंने लिखा ए बी इक्वल टू ए डी, फिर नेक्स्ट मैंने दूसरी चीज जो लिख दी वो लिखा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्रीज, और फिर जो तीसरी साइड मेरे पास दी हुई है जो यहाँ का रिजल्ट है बीई और एफ डी बराबर, ये मैंने ले लिया, तो मैंने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना? अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से क्राइटेरिया से? कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। तो मैं प्रूव कर दिया मैंने कि ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स ही होगा। और क्या प्रूव कर दिया, ये भैया ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर ही होगी, है ना? अब अंदर वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं, तो अंदर वाले ट्राइंगल में मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ध्यान से समझना। अब अंदर वाले ट्राइंगल को भी अगर मैं कोशिश करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, कर सकते हैं क्या? सर कौन सा वाला नाम बता दो, अंदर वाला जो ट्राइंगल है ए ई आर वाला, कर सकते हैं क्या? सर ए ई आर को किससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ए एफ आर से? देखो अभी एक्स एक्स आपने प्रूव कर दिया है। हाँ सर, सर ठीक है ना, वन टास्क इज बीन डन। देखिए क्या, देखो आपको प्रूव करना है ए आर जो है वो एंगल बाइसेक्टर है बी ए डी का, मतलब बचा क्या मेरे पास, ये एक्स प्रूव हो गया। अब मुझे प्रूव करना है कि भैया ये वाला और ये वाला एंगल वाई वाई हो जाए, तो मैं प्रूव कर दूंगा ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या मैं प्रूव कर सकता हूँ सर, अगर ई आर और हाँ सर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताओ? SAS कैसे सर? देखो है ना क्या बोलते हैं, पहले तो ए ई एफ इक्वल है ए एफ ई के, बिल्कुल बराबर बताया आपने, वेरी गुड। हाँ सर कोई बिल्कुल सही बताया, ये फिर सर ए ई ए एफ की इक्वल है, ए ई ए एफ की इक्वल है बिल्कुल। और सर फिर वो बीच में लाइन खींची हुई है ना सर, वो तो दोनों साइड ही रहेगी ना, तो सर एस एस हो गया ना। एस ए एस के लिए आपको इंक्लूडेड एंगल चाहिए दो साइड्स के बीच में,
और कुछ सर सर ऐसे ऐसे हो जाएगा सर, देखो पहले तो ए इक्वल टू ए एफ है और सर वो एंगल भी इक्वल है, फिर सर ई आर और आर एफ इक्वल है ना सर, आर आपने मिडपॉइंट बोला था दिया हुआ क्वेश्चन में बिल्कुल। हाँ सर अरे मजा ही आ गया, देखो मजा आ गया ना बिल्कुल सही। हाँ सर ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा। ट्राइंगल ए ई आर इज कॉन्ग्रुएंट टू, लिख दो ट्राइंगल ए ई आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ आर, सही है ना, बाय एस एस एस, ठीक है। इक्वल एंगल के सामने वाली साइड इक्वल है, कॉमन साइड ले लिया और एक साइड मिड पॉइंट दिया हुआ था, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो एंगल वाई के बराबर प्रूव हो गया, तो ये प्रूव हो गया कि एंगल बाइसेक्टर है। अब एंगल बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली डायगनल रहा होगा, फोर्थ चीज आप लिख दो, एज एन एंगल बाइसेक्टर इज अ डायगनल, ठीक है ना, तो वो डेफिनेटली सी से पास करेगा, इट विल पास थ्रू सी, ओके। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं, पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसको फिर से आप जाके रिवाइज कर लें किस तरीके से हमने करा है। रेस्ट विल बी कंटिन्यूइंग ट्रायंगल्स इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।